हाँ अब आ रही है। ये कह रहे हैं कि कल रात DI साहब ने फोन लगवाया था कि आप एप्लीकेशन लेकर के नहीं गए हैं, तो आप लोग आए नहीं थे। किस चीज़ की एप्लीकेशन? आज आपने दी थी, आपने वो क्या बोला था कि आपकी FIR, आपकी लड़की वो मैट गई, आप लोग ने इतना डरा धमका दिया कि वो बेहोश हो गई घर पे जाके सीधा, ना कुछ बोल रही थी ना कुछ कर रही है। मतलब हम लोगों ने डरा दिया था? हाँ हाँ, सीधा यही कह रही है वो कि मैम लोग ने हमसे उल्टे सीधे क्वेश्चन किया, आध घंटे यहाँ मैं अकेला बैठा रहे रही, हम कभी पुलिस के पास गए नहीं है। नाबालिग के साथ, अब मैं ये तो पता है आपको पूछने का हक नहीं था, आप नाबालिग के साथ थे, उनका फैमिली मेंबर एक साथ में होना चाहिए था, वो नाबालिग थी, बालिग होती तो आप उनको अकेले, हम तो कहते कमरे में बंद करते, कहीं भी ले जाते, खूब पूछताछ करते। हाँ कानून के हिसाब से, कानून के हिसाब से पढ़ लू था। हाँ कानून के हिसाब से भी वो नाबालिग ही है। और मेन चीज, आपसे जब बयान हो गया था, सब हो गया था बयान, तो सर को क्या वो दी आप, आपको आपने बोला था आपकी FIR हो रही है, रजिस्टर हो रही है, आपने बोला था रजिस्टर हो रही है। हाँ आपने बोला कि 3 बजे आएंगी मैम, उनसे हम 11 बजे आए, फिर बोला 3 बजे, हम वेट करते रहे 3 बजे मैम आएंगी, आप आए, हम उधर ही मिले थे आपको, आपने बोला ऐसे नहीं ऐसे मैटर होगा, सब लिखवाया आपने, हमने भी लिखा, आपने बोला आपकी हो गई, अब ये हम कंप्यूटर पे चढ़ा के निकाल रहे हैं, सर आएंगे तो हम उनके साइन करा के आपको पावती दे देंगे, ये बोला था आपने, बोला था आप बैठो ये हो रही है टाइप उसी, बस अगर आप वही कर लेती तो क्या होता, आज हमें बहन की जो हालत है ये थोड़ी ना होती। तो है छतरपुर हॉस्पिटल जिला नौगांव से रेफर किया उन्होंने छतरपुर के लिए, डिप्रेशन में खून खून की कमी पता नहीं क्या क्या, ना कुछ बोल रही है ना सुन रही है, इतना पुलिस बहुत गंदी है, पुलिस वालों के पास हमें नहीं जाना सीधा, ये बोल रही होगी तो ये यही बोल रही है, हमारे पास सुनो उसका, हमारे पास वीडियो है, हमें मत बोलो। हाँ हाँ वीडियो है, आप अपने वीडियो रखो ना अपने पास, हम तो कह नहीं रहे, काट दो लगाओ, रोको लगाओ उसका, हेलो।